देखो माँ जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कर्ज आपके पति ने लिया है वो दे दो, तो घर की चाबी ले लेना, वरना अपना कोई और ठिकाना देख लो। देखो बेटा, तुम्हारी माँ की तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद बहुत मेहनत की तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसकी मेहनत को वेस्ट मत जाने देना बेटा। दिव्या, शायद अब हम ना मिल पाए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ए मुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नु पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी। ए दुनिया पजी। हेलो, देखो माँ जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कर्ज आपके पति ने लिया है वो दे दो, तो घर की चाबी ले लेना, वरना अपना कोई और ठिकाना देख लो। और मुकुल, कैसे बेटा? सर मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारे इस बार भी सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू। तुम ऐसे मेहनत करते रहना बेटा, तो कॉलेज में इस बार भी तुम टॉप करोगे। सर ये मेरी ही नहीं, आपकी भी मेहनत है। बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद भी है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ की तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद बहुत मेहनत की तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसकी मेहनत को वेस्ट मत जाने देना बेटा। तुम खूब मेहनत करो, अपना और अपनी माँ का सपना पूरा करो बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा, ठीक है? माँ, तू बाहर क्यों बैठी है? और ये सामान? बेटा, वो लाला के लड़के आए थे और उन्होंने मुकुल, सुन, तेरे से कुछ बात करनी है। भाई मुकुल, तुझे तो मेरी फैमिली का पता ही है। अभी तो वो एक महीने के लिए कनाडा गए हुए हैं, लेकिन उसके बाद। भाई तू टेंशन मत ले, मैं एक महीने में कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगा। एक और मदद कर दे यार, मुझे कोई काम दिला दे, कैसा भी चलेगा। यार काम तो मैं दिला दूंगा, पर तेरी स्टडी? भाई इस वक्त मेरी माँ से जरूरी मेरी स्टडी नहीं है। वो सब तो ठीक है यार, पर तेरे सपनों का क्या? मेरे सारे सपने मेरी माँ से शुरू होते हैं और मेरी माँ पे ही ख़त्म। तो भाई तू बस इतनी सी मदद कर दे। चल ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। चले, चल, माँ वेट कर रही होगी। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल।
हेलो चाचा, मैं मुकुल बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। चाचा कुछ पैसों की जरूरत है, मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 चाचा। ओ मुकुल, आजा चल, खाना खाने चल रहे हैं। नहीं भाई, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। चल ठीक है। ए भुख भी कैसी चीज रबा बंदे नू पड़ी ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा दिंदी। ए दुनिया पजी फिर दिया जिंदगी च बड़िया थोड़ा ने बंदा ते मुकदा मुक जांदा। ये ले माँ, खाना खा ले। ठीक है बेटा, मैं डाल के लाती हूँ। ले बेटा, दोनों साथ में खाते हैं। नहीं माँ, आज पूरा पेट भरा हुआ है। मालिक ने बहुत जिद की कि मेरे साथ खा मेरे साथ खा, तो वहीं खाना पड़ेगा, तू खा ले। चल ठीक है तो। अच्छा रुक, तू हमेशा मुझे अपने हाथों से खिलाती है ना, आज मैं खिलाता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बेटा एक डायरी दे दो। जी मुकुल। हाँ भाई। एक डायरी दिखाना सर को अच्छी सी। ये लो सर। अरे मुकुल। सर आप कैसे हो? अरे तुम इतने टाइम से कॉलेज भी नहीं आए, कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? बस इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ जॉब कर रहा हूँ। देखो मुकुल, तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो, तुम कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए बेटा। लेकिन सर कैसे करो इतनी प्रॉब्लमों के बीच? देखो बेटा, ऊपर वाला प्रॉब्लम उसी को देता है जिसके अंदर उसे लड़ने की ताकत हो, और तुम्हारे अंदर तो वो काबिलियत है कि तुम कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो जुनून है। और ऐसे कब तक तुम ये काम करते रहोगे? सोचो अगर तुम्हारी माँ को ये इस बात का पता लगे कि उनका बेटा पढ़ाई छोड़कर काम कर रहा है, अरे वो भी तो यही चाहती कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छी नौकरी करो। और रही बात बेटा तुम्हारी कॉलेज की फीस की, वो मैं देख लूँगा, तुम बस पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। लेकिन सर आप क्यों दोगे? बेटा अपने टीचर का आशीर्वाद समझ के रख लो, और अगर ऐसे नहीं लेना चाहते तो उधार समझ कर रख लो, जब कुछ बन जाओ अच्छे से तब मुझे दे देना। अब तुम पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करो, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो बेटा। थैंक यू सर, अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। ये हुई ना बात, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? शाबाश।
हाय हाय काफ़ी दिनों बाद देखा तुम्हें आज कॉलेज दिव्या, शायद अब हम ना मिल पाए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो मेरा कॉलेज भी आना जाना नहीं हो पा रहा, तो बाय। कोई बात नहीं मुकुल, तुम अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाकी कोई मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताना। ओके बाय। तुझसे शुरू हुआ था, तुझसे शुरू वो किस्सा होने लगा है अब खत्म। सहलेंगे हम ये गम भी सह। माँ तू टेंशन मत ले, मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली है और ये घर भी मेरी कंपनी वालों ने दिया है। और तू देखना, लाला के पैसे देके कुछ दिनों में मैं अपना घर भी छुड़ा लूंगा। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का।